नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना भक्ति में माहौल क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे गांव अरसिया बाजार में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, बहुत ही विशाल आयोजन हो रहा है। और इसका आयोजन करवा रहे हैं श्री रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक बदलापुर, जो कि हमारे ग्राम अरसिया बाजार के ही निवासी हैं। दोस्तों, आइए आप लोग भी कथा का रसपान कीजिए। कथा रूपी दिव्य रस को सुनाने के लिए आ रहे हैं राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी बापू, और उनके श्रीमुख से हमें इस कथा का रस जो है वो सुनने को मिलेगा। 25/4/2023, मतलब 25 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 तक के लिए आप सभी भी आमंत्रित हैं। आइए और इस कथा रूपी दिव्य रस का रसपान कीजिए। बट दोस्तों, कथा तो कल से स्टार्ट हो रही है, 25 तारीख से, लेकिन उससे पहले आज 24 तारीख को कलश यात्रा का बहुत ही मनोरम दृश्य है, वो आपको देखना जरूरी है। तो इस वीडियो में आइए, आपको पूरा कलश यात्रा दिखाएंगे, जिसमें इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, आप देख के दंग रह जाएंगे कि कितना जो गांव है वो कितना उत्साहित है। आसपास के जो 10-12 गांव वो भी सभी एकदम उत्साहित हैं। तो दोस्तों, आप सबको लेके चलते हैं कलश यात्रा वाले स्थल पर, जो है अरसिया बाजार का प्राचीन शिव मंदिर। देखिए कलश यात्रा। तो दोस्तों, कलश यात्रा में सबसे पहले देखिए कलश, जिसमें जल भर दिया गया है। इसमें आम की पल्लव, फूल और नारियल भी रखा गया है। तो सबसे पहले कलश पूजन होगा, इसके बाद कलश यात्रा निकलेगी। दोस्तों, गजराज जी के साथ इधर बगल में गजराज जी हैं, भगवान गणेश के प्रतिनिधि बन के आए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मित्र जय हिंद दोस्तों भाई। बहुत अच्छा है आज यहाँ का कार्यक्रम है, देख सकते हैं आप लोग, इधर सब हाथी घोड़े मौजूद हैं। और हमारे विधायक जी श्री रमेश चंद्र जी के कारण ये सफल हो पाया है। और आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। माताएं बहने चलेंगी, उसके पीछे बापूजी का रथ चलेगा, उसके पीछे हम लोग चलेंगे। और मेरा आग्रह है किसी भी माता बहन को, चूंकि उनके सर पर कलश रहेगा, उनके हाथों में कलश रहेगा, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसकी चिंता हम सभी लोग करेंगे। और कोई भी माताओं बहनों की लाइन में हमारे प्रशासन के भी लोग इसका ध्यान देंगे कि माताओं बहनों की लाइन में कोई भी पुरुष वर्ग उस लाइन में नहीं जाएगा, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। को भी अलर्ट पता लग गया, आसमान को भी पता लग गया, सूर्य और चंद्र को भी पता लग गया कि अरसिया में साक्षात भगवान आ रहे हैं। 25 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक सारे ब्रह्मांड के भगवान इस भगवत कथा में अरसिया धाम में आने वाले हैं, यही परमानेंट रहेंगे। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है अनुशासन का, बाहर से आए हुए सभी सम्मानित जन के सम्मान का, हाँ कोई किसी को कष्ट ना हो, इसकी चिंता करेंगे। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हम लोग अनुशासन में यह कलश यात्रा निकालेंगे। और जैसे बापू जी यहाँ पहुंचने वाले रहेंगे अरसिया मोड़ से, तैसे महिलाएं जो हैं सभी लोग अपना अपना कलश लेकर के लाइन में खड़ी हो जाएंगी, सभी लोग लाइन में खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे बापू आएंगे उनको हम लोग रथ पर बैठाएंगे, उनका अभिषेक होगा, चंदन होगा, उनको माल्यार्पण होगा। जो यहाँ पर 11 जो आपको देना था, बस मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इस कथा को संपन्न करिए, बेहतरीन ढंग से संपन्न करिए, क्योंकि इस कथा को विश्व के 165 देश देख रहे हैं। अरसिया का मान सम्मान, सुईठा कला ब्लॉक का मान सम्मान, सागन तहसील का मान सम्मान, जनपद जौनपुर का मान सम्मान, आप सभी नारायण भक्तों के हाथों में है। आप सभी नारायण भक्त इस तो देख सकते हैं कलश यात्रा शुरू होने वाली है अभी तुरंत। हमारे पास कहना चाहेंगे गुरु जी, अब हुआ नहीं, नहीं नहीं सही है, भाग्यशाली है जो ऐसा हो रहा है।
भी आ जाएगा एकदम पास से। गजराज जी जो कि गणेश भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हेलो Hey!
लल्लू भाई जो कि दिख रहे हैं तो दोस्तों आपने बहुत ही भव्य कलश यात्रा का जो वीडियो देखा आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों 7 दिनों के लिए आप लोग आमंत्रित हैं अरसिया धाम में, क्योंकि अब अरसिया बाजार नहीं अरसिया धाम हो चुका है, क्योंकि भगवान यहाँ पर आधार चुके हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है। तो आज एकदम ज़बरदस्त बारिश हुई है और बिजली भी कड़क रही है, तो जैसा कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म पर हुआ था वैसा ही माहौल बन गया है दोस्तों। तो बाके बिहारी जी पधार रहे हैं अरसिया में, आइए आप लोग भी 25 तारीख से 2 तारीख तक रसास्वादन कीजिए श्रीमद् भागवत कथा का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।